सच क्यों नहीं बोलती हैं सबको कि मैं पागल हो गई हूं? मैंने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद की है मामा। ऐसा मत बोलो बेटा। हो गई हूं मैं पागल। जो होना था वो हो गया, गलती हो गई उससे। हम उसकी फैमिली हैं, अगर इस टाइम पे हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहीं नताशा से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार? नहीं, प्यार तो सिर्फ एक ही बार हुआ था। अब ये दिल किसी और के लिए धड़कता ही नहीं। फैजान, मेडिसिन का टाइम हो गया। अब मैं साफ कर देती हूँ। बल्कि मैं आपके लिए दूसरी शर्ट ले आती हूँ, ठंड ना लग जाए। ये चेंज कर लें। ध्यान कर दूँ। भूल जाओ सब कुछ और जिंदगी की तरफ वापस लौटा। ये जिंदगी में अब बचे ही क्या है मामा? मत करो ऐसी मायूसी की बातें। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। आज वो कुटिया शेरी अरेस्ट हो गया है और तुम बजाय सेलिब्रेट करने के दुखी हो रही हो। सिर्फ इस बात का है ना मामा कि मैंने शेरी जैसे शख्स पे एतबार किया, अच्छे लोगों को पहचान ही नहीं पाई मैं। आप लोगों के साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। बाबा के नाम की, खानदान के नाम की कोई परवाह ही नहीं की मैंने। राजी को मैं हमेशा कितना गलत समझती थी, उसकी नीयत पर शक करती थी, और उसे देखें कितना अच्छा निकला वो। उसने मुझे बचाया, वहां से निकाला, बाबा से भी बात की कि वो मुझे माफ कर दें। आपको पता है वो अपार्टमेंट पे आया था मुझे समझाने के लिए। मैंने उसे बुरा भला कहकर वहां से निकाल दिया। कितनी बेवकूफ थी मैं। कब आया था वो? 2 दिन पहले आया था वो अपार्टमेंट पे समझाने के लिए। मामा, अगर उस दिन वो मुझे बचाने नहीं आता ना, तो शायद मैं आप लोगों के बीच नहीं होती यहाँ। शेरी ने तो मुझे मार ही डालना था। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ना सिर्फ राजी की वजह से हूं, वरना न जाने क्या हो जाता।
मामूजान, ये नताशा की ज्वेलरी, सेलफोन और कुछ कैश पुलिस ने बरामद किया है शहरी से। बेटा, तुमने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। मैं दिल से बहुत मशकूर हूं तुम्हारा बेटा। क्या बात है मामूजान, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो बेटा। आप प्लीज नताशा को दिल से माफ कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। बेटा, मैं ना चाहते हुए भी उसे माफ जरूर कर दूंगा, लेकिन अगर दोबारा उसने जिंदगी में ऐसा कदम उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी बेटी है। फिर उसे मैं ना सिर्फ अपनी जदाद से बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दूंगा। क्या आपका हक है, अगर मामूजान, तो शेरी ने नताशा को चोट पहुंचाया है ना, आप यकीन करें वो दोबारा कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। इनफैक्ट मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि आप और मुमानी दोनों उसका प्लीज ख्याल रखें। बेटा, राजी उस शख्स की जमानत नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसे। आप बेफिक्र हो जाए मामूजान, कल वो उसके साथ ही अदालत में पेश होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। ऐसे शख्स का अंजाम भी ऐसा ही होना चाहिए। दुख तो इस बात का है कि नताशा एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारती रही, अज़ियतनाक, ये बर्दाश्त नहीं होता। माजी की यादों को कुरेदने से इंसान तो सिर्फ दुख ही मिलता है मामूजान। बेहतरी इसी में ही होती है कि इंसान जल्द से जल्द उसे भुला दे। अगर आप ये भूल जाएंगे कि नताशा की जिंदगी में ऐसे बुरे दिन आए थे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं नताशा बहुत जल्द इस अज़ियत से निकल जाएगी। खुदा करे सही हो। छोड़े साहब, नाश्ता रेडी है और हादिया बीबी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक जी सर। यार रमशा, मैं बता रहा हूँ फैजान यहाँ नहीं है। मैं खुद चेक करके आती हूँ। फैजान साहब कहाँ हैं? आप कौन और कहाँ से? हम पिंडी से आए हैं, रास्ता भूल गए थे बस। चुप करो यार, साहब से जाकर कहो कि मेहमान आए हैं कराची से। अब रुको, मैं साहब को बताता हूँ। रमशा, मैं बता रहा हूँ फैजान यहाँ नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम देख रहे हो ना, फैजान अपनी बीवी हादिया के साथ कितनी खूबसूरत जगह पर है, पर मुझे उस छोटे से घर में बंद किया हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। छोड़ूंगी नहीं तुम उसको? अरे वो मुझे नहीं छोड़ेगा यार। उसको मैंने नहीं बताया कि मैं तुम्हें लेके यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो अगर तुम उसे बता देते तो वो कभी ना आने देता मुझे। और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आई हैंडल एवरीथिंग। तुम चलो मेरे साथ, चलो। साहब, आपसे मिलने कोई मेहमान आए हैं। कौन?
नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन कराची से आए हैं, आप कहें तो बुला लूं। नहीं नहीं मैं देख लूंगा। चलो ठीक है। कराची से कौन आया? Hey buddy, what a pleasant surprise! कब आया? बस अभी। कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, fit? तू बता? नहीं यार वो फैजी। कैसा लगा surprise? What are you doing? What is she doing here? क्यों? फैजान कहाँ है? जी बीबी जी, साहब बाहर हैं, उनके कोई गेस्ट आए हैं कराची से। अच्छा, चलें फिर उनको कहकर गेस्ट को अंदर बुलवा लें और चाय के साथ कुछ स्नैक्स का इंतजाम कर लें। जी बेहतर। तुम्हें वो यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगी। What is this? मेरा शौहर इतना बीमार है, मैं तुम्हारा हाल पूछने आई हूँ फैजी। आखिर मेरा भी तो तुम पर उतना ही हक है ना जितना उस हादिया का है। बस बहुत कर ली उसने तुम्हारी तीमारदारी, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम उस हादिया को बोल दो कि पहली फ्लाइट से कराची वापस चली जाए। रमशा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और प्लीज हादिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना वरना आई विल लीव यू फॉरएवर, आई एम वार्निंग यू। और तुम क्यों लेकर आए उसको, पागल हो गए क्या? मैं लाया? अबे वो लेके आई है मुझे यहाँ यार। लिसन, मैं तुम दोनों का होटल में कमरा करा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं मिलूंगा तुमसे आके। ओके, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी बीवी हूँ, इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आई हूँ, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। रमशा मेरी मजबूरी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम दोनों का होटल में कमरा करा रहा हूँ, वहाँ जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ, हम आराम से बात करते हैं। ओके, लेकर जाओ उसको, चलो। मैं कहीं नहीं जा रही, बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँ। प्लीज रमशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी यहाँ बात नहीं कर सकते, वो आ गई मिस क्रिएट हो जाएगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शाम में आता हूँ, आराम से बात करते हैं ना, कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स एनीमोर। प्लीज लिसन। फैजान, सुल्तान ने बताया कि आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, यहीं खड़ा रखेंगे कि अंदर नहीं बुलाएंगे? हम बस बात ही कर रहे थे तो तुम आ गए बीच में, तो इंट्रोड्यूस तो करवाएं। या ऑफ कोर्स, दैट्स माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड ज़ुहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। और ये ज़ुहेब की वाइफ सनम। ओह, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड। हाँ, ये लोग इधर ही थे करीब में, तुम मैंने बुला लिया। दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मैं अभी तक फैजान के किसी फ्रेंड से मिली नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आए ना अंदर, आए, आओ सनम, आ जाओ। श्योर, व्हाई नॉट। We need to talk. Hey,
वैसे आप लोग कब तक हैं यहाँ पर? वैसे तो हमें परसों जाना था, लेकिन फैजान का माइनर एक्सीडेंट हो गया, फिर इन्हें वायरल भी हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम रुक गए। वैसे हम एक आध दिन है यहाँ पे, आप लोग हमारे साथ स्टे कर लेना। नहीं नहीं नहीं, दे कैन नॉट स्टे। तुमने बताया था तुम्हारी फ्लाइट है, कब की? कल। आज की, आज रात की। यू टोल्ड मी आज रात, तो वो जाना पड़ेगा इन्हें। ओ, मैं तो सोच रही थी कि आज हम साथ में बाहर चलते डिनर के लिए सब। वैसे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन पोस्टपोन आवर फ्लाइट। अगर आपके हस्बैंड को कोई मसला नहीं हो तो हम डिनर पे जा सकते हैं। अरे इन्हें क्या इतराज होगा, इन्हें जोहेब भाई की कंपनी मिल जाएगी और मुझे आपकी। नहीं, आई थिंक जाने दो, वैसे भी दो घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम होता है एयरपोर्ट का ना। यू हैव अ मीटिंग, वो मल्टीनेशनल क्लाइंट जो है तुम्हारा। यस ऑफ कोर्स। तो मैं ड्राइवर को बोलूंगा वो छोड़ देगा। नो नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आई विल मैनेज। मैं खाना खाए बगैर इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं भाभी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर बाद में फिर कभी आ जाएंगे, चक्कर लगा लेंगे। अरे जोहेब, क्या हो गया है? अगर इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो रुक जाते हैं ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हुई ना बात, अभी आप लोग चाय पी लें, फिर मैं लंच लगवाती हूँ। ग्रेट। आप लोग इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, कुछ ले ना, आपकी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। नहीं बस, थैंक्स। अगर आपको कुछ और पसंद है तो मुझे बता दें, मैं भी बनवा देती हूँ। एक्चुअली आई एम ऑन अ डाइट, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती। अरे अभी तो छोड़ दे डाइट को, घूमने फिरने आए हुए, खाए पिए, और वैसे भी आप इतनी स्लिम और खूबसूरत हैं, आपको क्या जरूरत है डाइट की। वैसे मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ। You're really very lucky, Faizan. इतनी beautiful wife मिली है आपको. Arranged marriage थी या love? Of course it was love. Love. It was totally arranged. लेकिन शादी के बाद प्यार हो गया. क्यों फैजान? तुम खाना खाओ आराम से, फिर ड्राइवर को बोलूँगा छोड़ दे. हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे. Please don't worry. नहीं नहीं फैजान, इसे रखें वापस। क्यों, क्या हुआ? अरे डॉक्टर ने आपको स्पाइसी खाना खाने से मना किया है। मैंने आपके लिए दलिया बनवाया सुल्तान से, वो अभी लाते होंगे। ले आ गए। कुछ दिन तो एहतियात कर लें। सुल्तान भाई, आप मेडिसिन भी ले आए, दलिया खा लें, फिर मेडिसिन ले लीजिएगा। वैसे यार फैजान, तू वाकई बड़ा लकी है कि तुम्हें इतनी लविंग और केयरिंग बीवी मिली है। लकी ये नहीं, मैं हूँ, क्योंकि ये भी मेरा इतना ही ख्याल रखते हैं जितना मैं रख रही हूँ। क्या हुआ? गले में दर्द हो रहा है थोड़ा, मेडिसिन ले आओगी प्लीज? हाँ वो सुल्तान लेने गए, मैंने उनको कहा है। पता नहीं घंटे लगा रहा है वो, तुम ले आओ प्लीज, देख लो। ओके मैं अभी लाती हूँ। तुम दोनों उठो और जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जोहेब समझाओ इसको, मैं शाम में मिलता हूं, अभी लीव। अभी भी माफ नहीं किया तुमने क्या मुझे? मैं तो उसे नाराज कब था। गुड लक एंड प्लीज
तुम्हें ये बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ज्यादा सेंसिबल लग रही हो, मैच्योर लग रही हो, बहुत अच्छी बात है। एंड वादा करो तुम कि कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है? आई वॉन्ट। कहाँ गए ये लोग? देवर इन अ रश, कहीं कोई काम था तो चले गए। मैंने काफी रोका बट दे जस्ट वेंट। कमाल करते हैं आप फैजान, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, खाना तो खाने देते उनको। अच्छा मेरी मीटिंग है रात में, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, बोर तो नहीं होगी? लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। नहीं अभी ठीक है, आई फील बेटर। वो सही कह रहा था, वैसे मैं हूं लकी। Hey. क्यों आए हो तुम यहाँ? अब क्या लेने आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ रमशा। फैजान मुझसे यूं छुप छुप कर मिलने मत आया करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, जिससे मिलने के लिए तुम्हें बहाना चाहिए। I know बीवी हो, पर दुनिया की नजरों। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है और फैजान मैं तंग आ गई हूँ। अब बंद कर दो ये चूहे बिल्ली का खेल और साफ साफ अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दो। It's not possible. नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। Why? तुम जानती हो why? बार-बार बहस क्यों करती हो इस बात? फैजान ज्यादा से ज्यादा आखिर क्या हो जाएगा? और मैं कब तक क्यों इंतजार करती रहूंगी? तुम उस हादिया के साथ मजे ले रहे हो, कोई परवाह नहीं है मेरी। तुमने तो मुझे कहा था कि ये जबरदस्ती की शादी है, ना तुम खुश हो ना वो, मगर मुझे तो सिचुएशन कुछ और ही लग रही है। क्या है ये सब? रमशा, listen to me ना। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, झूठे धोखेबाज कहीं के, जाओ वहां से। प्लीज, धोखा तुम्हारे साथ नहीं हादिया के साथ हुआ। तुम्हें तो पता था ना कि आई वाज मैरिड पहले से। हाँ, हादिया के साथ जाती हुई है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम तो इसी गले पड़ गई हो मेरे। क्या क्या कहा तुमने? लिसन, इनिशियली मेरा प्लान यही था कि मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए आना है। बाबा ने हादिया को साथ भेज दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर आए हो। ऊपर से तुमने कहा मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ। एक हफ्ता हो गया है, मैं वहां पर अकेली हूँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं मैं किस हाल में हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था रमशा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुमने देख भी लिया यार, क्या प्रॉब्लम है और क्यों लड़ रही हो इस बात पे मुझसे? लिसन, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ तुम्हारे पास। लेट्स जस्ट गो समवेयर और इस बात को बाद में कर लेंगे हम। लेट्स नॉट रुइन आवर मूड। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। तुम जाओ अपनी उस खूबसूरत बीवी हादिया के पास, जिससे तुम्हें अरेंज्ड मैरिज करके लव भी हो गया है, और मैं बेवकूफ, अपनी जिंदगी के 2 साल तुम जैसे इंसान पर बर्बाद कर दिए मैंने। मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक गलत फहमी पैदा हो गई है और मेरे ख्याल से इस गलत फहमी को दूर कर लेनी चाहिए। मगर मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वैसे भी गलत फहमियां वहां दूर की जाती हैं जहां कोई रिश्ता हो, और मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं।
आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अब मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना मदद की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आदिया, तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। फैजान, फैजान उठ जाएं। अभी नहीं यार, अभी बहुत नींद आ रही है। जब देर रात तक घर से बाहर रहेंगे तो नींद तो आएगी ना, अपनी सेहत का भी ख्याल है आपको। मैं आज ही बाबा से कहूंगी कि लेट नाइट मीटिंग्स पर मत बुलाएं आपको। व्हाट? नहीं नहीं नहीं, बाबा से मत कहना, उनको लगेगा मैंने तुम्हें कहा ये सब कहने को। आई एम अप, उठ गया मैं। वैसे ही ताने देते हैं हर बात पे। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि वो मुझे बिजी देखें, काम करता हुआ देखें। आई थिंक ही विल बी हैप्पी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बस जल्दी से चाय पी लें ताकि हम बाहर चलें। मुझे आज सबके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम, जहां लेकर जाओगी चला जाऊंगा, लेकिन शाम में मीटिंग में जाना है तो उसके लिए मत रोको। ओके, चलें चाय पी लें जल्दी से, फिर निकलते हैं। इट्स व्हाट? सॉरी। नहीं, अच्छा वो टिकट्स आ गई हैं कल की फ्लाइट। ओके, चलें मैं टाइम से पैकिंग कर लूँ। ओके, चलें ठीक है, आप चाय पी के आ जाएं। थैंक यू।
मैं राजी को कितना गलत समझती थी, हमेशा उसे धुतकार देती थी, और इसने मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुझे उस शहरी जैसे धोखेबाज इंसान से आजाद करवाया, उसका चेहरा बेनकाब किया। अगर राजी ना होता तो शायद मैं आज इस घर में ना होती। उस शहरी के साथ बेबसी की जिंदगी गुजार रही होती, और पापा शायद मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर देते। मैं राजी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। राजी बेटा, हमारा चाइनीज डेलीगेशन इस्लामाबाद आया है, और कल भूरबन में हमारे कॉन्ट्रैक्टर की उनके साथ मीटिंग है। फैजान की तबीयत खराब है तो वो जा नहीं सकेगा, तो इसको देख लो कैसे हल करना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बेटा पिछले दो दिन से उसकी तबीयत खराब है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि तुम जाकर उस डेलीगेशन से मुलाकात करो और इस मसले को सॉल्व करो, चूंकि मैं अब जितनी जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। चलें ठीक है मामूजान, जैसा आप कहें। बेटा तुम एक काम करो कि एडमिन को बोल के अपनी टिकट तो बुक कराओ, और जितनी जल्दी हो सके उनको प्रेजेंटेशन दो और उनसे मुलाकात करो। मैं फैजान को कॉल करता हूँ। नहीं तुम उसे इन्फॉर्म ना करो बेटा, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो उसे आराम करने दो, और मैं वैसे भी चाहता हूँ कि वो थोड़ा वक्त हादिया के साथ गुजारे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम उसे कहीं बेहतर बिजनेस के मामलात को संभाल सकते हो। जी मैं देख लेता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए बेटा। जी जी मदर साहब। चले ठीक है, फिर चार घंटे बाद वाली करा रहे हैं यार। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। राजी भाई, अम्मी कह रही गर्म कपड़े भी साथ रख लीजिएगा, वहां ठंड होगी। रख लिए मैंने। ये क्या भाई, आप अभी जा रहे हैं? फ्लाइट थोड़ी जल्दी वाली मिल गई है तो निकलना पड़ेगा। क्यों, क्या भाई, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, क्यों, सब ठीक है ना? तुम्हें क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा हुआ ना कि सफदर मामू ने आपको शहर से बाहर भेज दिया, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, फिर इस टेंस माहौल से भी निकल जाएंगे आप। देखो मैडम, मैं वहाँ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, पिकनिक मनाने नहीं। हाँ तो मुझे पता है, जब काम खत्म हो जाए फिर घूम फिर लीजिएगा। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, लेट हो रहा हूं मैं ऑलरेडी। एक तो मैं आपके फेवर में बात कर रही थी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, नादी अम्मा कर लूंगा मैं। ख्याल रखिएगा और जल्दी आइएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। इन हाँ प्लीज अम्मी को दूर रखना यार, तुम्हें पता ना यार वो बातों बातों में तंज करती है, अच्छा नहीं लगता। एंड इतने जल्दी हो सके ख्याल रखना। ओके ओके बाय। ओके राजी, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो। और एक तो आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज टू यू, और मुझे तुम्हें थैंक यू भी बोलना था। नो इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं राजी, जरूरत है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया,
फिर भी तुमने जान पे खेल के मुझे उस घर से निकाला, बाबा से माफी दिलवाई। Honestly, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं तुम्हें कैसे थैंक यू करूं और किस तरह सॉरी कहूं। देखो नताशा, तुम शर्मिंदा कर रही हो। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मामू जान से मांगो, मामानी से मांगो। बहुत दुख पहुंचाया तुमने, तकलीफ दी हमें, राइट? राजी, तुम्हारे सामने मैंने बाबा से रो रो के माफी मांगी है पर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। मुझसे सही से बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी उनका दिल मेरी तरफ से साफ होगा। तो परेशान मत, तुम इन्हें टाइम दो, वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। सिंपल। आई विल, बट प्लीज तुम सब कुछ भुला के मुझे माफ कर दो। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? एक शर्त पर। क्या शर्त? सिंपल है, तुम्हें मामू जान और मामी का ख्याल रखना होगा, फिर से परेशान मत करना, प्रॉमिस करनी होगी मेरे साथ। डेफिनेटली मंजूर है, अब तो हाथ मिला लो। अभी भी माफ नहीं किया तुमने क्या मुझे? मैं तुमसे नाराज कब था? गुड लक एंड प्लीज, तुम्हें ये बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ज्यादा सेंसिबल लग रही हो, मैच्योर लग रही हो, बहुत अच्छी बात है। एंड वादा करो तुम कि कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है? आई वॉन्ट। गुड लक। इस्लामाबाद से कब वापस आ रहे हो? बहुत जल्द। टेक केयर। तब भी अपना ख्याल रखना। हेलो मामा, कैसी हैं? तुम बताओ तुम कैसी हो? तुमने वहाँ पहुँचकर मुझे अपनी खैरियत की खबर भी नहीं दी। अरे मामा, कैसी बातें कर रही हैं? आपको भला कैसे भूल सकती हूँ मैं? आखिर आपके और फैजी के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? फैजान कैसा है, सब ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें वहाँ अचानक देखकर वो गुस्सा तो नहीं हुआ? जी नहीं, बल्कि मैंने उस पर गुस्सा किया। मुझे बताए बगैर उस हादिया के साथ इस्लामाबाद आ गया वो। हादिया ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? नहीं, फैजी ने बहाना बना दिया। उसने कहा कि मैं उसके फ्रेंड सुहेब की वाइफ हूँ। क्या? और तुमने ये सब होने दिया? तुमने फैजान को ऐसा करने से रोका नहीं? नहीं मामा, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर पाए, मगर आप देखिएगा उस हादिया के साथ मैं करती क्या हूँ। अगर मैंने उसे फैजान की जिंदगी से ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी जमशा नहीं। अच्छा मामा, बस आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गेट रेडी एंड गो फॉर लंच, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और अपनी खैर खैरियत की मुझे खबर देती रहना, ठीक है बेटा? खुदा हाफिज़। बाय।